किसान साथी एक पुरानी कहावत है कि दमे से ग्रसित आदमी और दूध घास से ग्रसित खेत है वो आसानी से ठीक नहीं होते। तो आज की वीडियो हम बातचीत करने वाले हैं दूध घास और मोटा को है जो अपन जड़ से किस प्रकार खत्म करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दूध घास के वानस्पतिक नाम की। तो इसका नाम है साइनिडोन डेक्टाइलोन, जो देखने में बहुत ही सुंदर लेकिन खेतों को है जो ये वीरान बना देती है, क्योंकि जिस क्षेत्र में है जो दूध घास का अटैक हो जाता है वहाँ पर है जो फसलें ना के बराबर होती है। यहाँ पर भी हमारा प्लॉट देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने है जो 5 दिन पहले स्प्रे किया था और आप यहाँ का रिजल्ट देख सकते हैं। एक बार कैमरामैन बताएं तो दूध घास है चलने लग गई है। और इधर हमारे बाजरे का प्लॉट है, यहाँ पर हमने स्प्रे नहीं किया है। जो दूध घास का प्रकोप है जो बहुत ही ज़्यादा है, जो फसल है वो बहुत ही कम है, जो बाजरा है वो बहुत ही कम समय किया गया है, लेकिन दूध घास है बड़ी संख्या। और इधर हमने केमिकल का जो हर्बिसाइड है इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, जब खेत में कोई भी फसल नहीं लगाई गई है यानी कि खेत खाली हो उसी समय है जो हमें इस हर्बिसाइड का यूज़ करना है। अगर आप फसल की लगी हुई है और अपन इसका स्प्रे करते हैं तो सारी की सारी फसल है वो ख़राब हो जाती है, जल जाती है। तो ये हमारा प्लॉट है, यहाँ पर हमने है जो कोई भी फसल नहीं लगाई थी, क्योंकि इस दूर में अगर हम लगाते तो भी कुछ नहीं होता, तो इसलिए हमने लगाई नहीं है और इसको कंट्रोल करने के लिए हमने हर्बिसाइड का यूज़ किया है। सबसे पहले तो अपने जो बिना केमिकल के कैसे इसका कंट्रोल करें, तो उसके लिए आप है जो जब रबी की फसल है जो हम ले लें यानी कि मार्च और अप्रैल के एंड में है, हमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी है ताकि जो इस दूध घास के और जो मोटा घास है उसके जो जड़ है वो बाहर आ जाए। जो इसके प्रवर्धन की बात करें तो इसका फैलाव है जो जड़ और तने के द्वारा यानी कि रनस के द्वारा होता है। ये मेनली तो जो इसके जो अवशेष है जड़ उसके द्वारा होते हैं, और दूसरे तौर पर देखें ये रनस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी जो नई नई जड़ें हैं वो मिट्टी के टच में आते ही यहाँ पर पौधा लग जाता है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये पौधे की जड़ें हैं, जिस प्रकार ये बहुत ही बड़ी संख्या में फैलाव कर लेता है। तो अब इसके कंट्रोल की बात करें तो सबसे पहले तो अपन को गहरी जुताई करनी है, जिससे इसके जो नीचे की जड़ें हैं वो गर्मी में मिट्टी पलटते हैं, जो घेरो है, जो तवी है, या फिर आप तोता बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके द्वारा वो ऊपर आ जाएगी और तेज धूप के कारण जो इसका जिगर जो होता है वो नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण ये सूख जाती है और नष्ट हो जाती है। दूसरे अपन हर्बिसाइड की बात करें तो इसमें आपको लेना है ग्लाइफोसेट, जो मार्केट में है जो मीरा एकत्र या फिर ग्लाइफोसेट राउंड अप या फिर हीरा, कई नाम से अवेलेबल होती है। तो हमने यहाँ पर है जो ग्लाइफोसेट मीरा एकत्र के नाम से आती है उसका इस्तेमाल किया है, जिसकी आप मात्रा है जो एक ढोल में यानी कि 400 ml का एक ड्रम होता है उसमें आप 1 kg ग्लाइफोसेट को डालें, उसी के साथ में आपको ऐड करना है 2 से 3 kg यूरिया यानी कि नाइट्रोजन ऐड करना है, उसी के साथ में आप 100 से 150 ग्राम है जो कोई भी नाइट्रोजन पाउडर ले लें, या फिर आप घड़ी भी ले सकते हैं, निर्वा भी ले सकते हैं, वो आपकी सोच पर है आपके पास कौन सा है, वो डिटर्जेंट पाउडर ले लें, इनको है जो अच्छी प्रकार से घोल बनाकर है जो ड्रम में डालें, उसके बाद में आप है जो इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान रखना है जो मृदम है जो पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, यानी कि फसलों को पानी दे दें, जब नमी होगी तभी है जो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो हमने जो स्प्रे किया है उससे पहले हमने है जो 2-2 घंटे यहाँ पर लाइन चलाई है, फिर हमने स्प्रे किया है, उसी के बाद में है जो 2 से 3 दिन बाद है जो बारिश आ गई वो भी 3 से 4 बार, तो हमारा जो दूध घास है वो बहुत ही बढ़िया जल रही है और थोड़े दिनों में ये जो ख़त्म हो जाएगी। इस प्रकार है जो आप दूब और मोथा को कंट्रोल कर सकते हैं। अपन मोथा की बात करें तो मोथा में है जो नीचे गांठ पाई जाती है वो गांठ है जब तक उस पर जो हर्बिसाइड नहीं पहुंचती है जिसके कारण है वो फैलती जाती है। तो ये जो अपन मीरा है एकत्र यानी कि ग्लाइफोसेट, ये एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है जो पौधे के किसी भी भाग में पड़ने पर है जो पूरे भाग में फैल जाती है, यानी कि अपन पत्ती पर इसका छिड़काव करते हैं तो ये इसकी जड़ों तक भी जाती है और उसको नष्ट कर देती है। और दूसरे की अपन बात करें तो मार्केट में है जो पैराकॉट है, दही कॉट है, उसके द्वारा भी आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं, उसको भी आप उनको तभी अप्लाई करना है जब खेत में कोई फसल नहीं लगाई गई है। मैं आपको वापस दोहरा रहा हूँ, इसका हर्बिसाइड का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब खेत खाली हो, एकदम कोई भी फसल नहीं लगाई गई हो, अगर लगाई हुई फसल में आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल जल सकती है। तो आप है जो अपने पैराकॉट या दही कॉट इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी भी आप है जो 1 kg मात्रा को 400 ml पानी में है घोल बनाकर स्प्रे करें, ये मतलब बहुत ही कम, ये मतलब ट्रांसमिनेट मतलब संपर्क
हर्बिसाइड होती है जो इसमें संपर्क में आता है उसको ही नष्ट करती है, पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाती, तो इसका रिजल्ट है जो हमें अच्छा नहीं मिलता। इसके लिए आप है जो ग्लाइकोसाइड का इस्तेमाल करें, इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होने के कारण है जो दूब घास और मोथा है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। और दूसरे तौर पर अपन देखें तो मोथा का एक पर्सनली हर्बिसाइड आता है जिसमें केमिकल कंपोजिशन है वो हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल आता है जो मार्केट में सेम्प्रा के नाम से आते हैं और धानों का कंप्लीट होती है। तो इसकी जो 36 ग्राम का पैकेट आता है उसको आप है जो 2.5 एकड़ में है जो स्प्रे कर सकते हैं जिसके द्वारा आप है जो मोथा का जड़ से सफाई कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल अगर आपने गन्ना और मक्का की फसल लगा रखी है तभी इस्तेमाल करें, दूसरी फसल में है जो सेम्प्रा का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो फसल है वो जल जाएगी। तो किसान साथियों आप अपने जो इस प्रकार है जो दूध घास और मोथा को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। खेती बाड़ी की ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जो किसान साथी है जिनके खेत में है जो दूध घास और मोथा है उनको ख़त्म करके अधिक पैदावार ले सकें। धन्यवाद।